हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन के बारे में, जो वाया गया होकर चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन के बारे में, जो वाया गया होकर चलती है। इस ट्रेन का नाम, पूरा नाम है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हावड़ा मेल, जो वाया गया होकर चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 123-22। ये डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है, रोजाना चलती है, और 38 घंटे 30 मिनट में ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल की जो दूरी है वो है कवर करती है। इसके तकरीबन 50 के करीब स्टेशन हैं और 2160 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 56 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है, और आपकी टिकट में जो है सुपर फास्ट चार्ज भी साथ में जोड़ा जाता है। इसे ईस्टर्न रेलवे डिवीजन जो है ऑपरेट करता है, और इसमें जो है LHB कोचेज जो है लगाए गए हैं, जो कि सेफ्टी और स्पीड के लिहाज से बहुत ही बढ़िया कोचेज माने जाते हैं। अगर हम बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन जो वाया गया होकर चलती है उसका टिकट किराया बताऊंगा, वो मुंबई से हावड़ा तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म कर लें। इसमें अगर बात करें फर्स्ट एसी के कोच के किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको मुंबई से हावड़ा तक का जो किराया बता रहा हूँ वो है 5260 रुपये। इसका टोटल फेयर है 4874 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 60 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 75 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज है, और GST चार्ज जो है 251 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड एसी के कोच भी हैं। सेकंड एसी का जो मुंबई से हावड़ा तक का जो टोटल किराया है वो है 3080 रुपये, जिसमें 2838 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, 45 रुपये जो है वो सुपर फास्ट चार्ज है, और 147 रुपये के करीब जो है वो GST चार्ज है। दोस्तों, ये जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ ये कोचेज वाइज मुंबई से हावड़ा तक का किराया बता रहा हूँ, बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। थर्ड एसी का जो टोटल किराया है वो है 2130 रुपये, जिसमें 1943 रुपये तो बेस फेयर हैं, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, और 102 रुपये के करीब जो है GST चार्ज है। स्लीपर क्लास के इसमें ट्रेन में तकरीबन 10 कोचेस हैं, जिसमें स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। तो स्लीपर क्लास का जो मुंबई से हावड़ा तक का किराया है वो है 820 रुपये, जिसमें 770 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है, इसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा इस ट्रेन में 4 से 5 जो है जनरल अंडरजोर डिब्बे होते हैं, जिसका किराया जो है 470 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये मुंबई हावड़ा मेल जो वाया गया होकर चलती है उसका किराया बताया, बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार के कोच, यानी कि रसोई कक्ष के कोच भी है, जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूड नहीं होते हैं, आपको एक्स्ट्रा जो है फूड परचेज करके खाना पड़ता है ट्रेन के अंदर ही पेंट्री कार से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हावड़ा तक चलने वाली मुंबई हावड़ा मेल जो वाया गया होकर चलती है उसका टाइम टेबल क्या है। यह जो ट्रेन है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रोजाना रात के 9:30 पर 18 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और इसके तकरीबन जो है 50 के करीब स्टेशन हैं, और 38 घंटे 30 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। 2160 किलोमीटर के करीब जो है ये यात्रा अपनी कवर करती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन दादर सेंट्रल में रात के 9:40 पर पहुंचती है, और 9:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, और तकरीबन 9 किलोमीटर की यात्रा जो है ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से दादर सेंट्रल तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कल्याण जंक्शन में पहुँचती है। कल्याण जंक्शन में ये रात के 10:32 पर पहुंचती है, और 10:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कसारा स्टेशन में पहुंचती है रात के 11:43 पर, और 11:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, और यहां पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। कसारा स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है KSRA, और ये महाराष्ट्र का एक स्टेशन है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इगतपुरी महाराष्ट्र में रात के 12:15 पर पहुंचती है, और 12:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है देवलाली स्टेशन में पहुंचती है 12:55 पर, और 12:58 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर
तीन मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नासिक रोड में पहुंचती है। नासिक रोड में ये ट्रेन जो है रात के 1:11 पे पहुंचती है और 1:16 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। मनमाड़ जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 2:17 पे पहुंचती है और 2:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद मुंबई हावड़ा मेल जो वाया गया होकर चलती है वो 40 गांव जंक्शन महाराष्ट्र में रात के 2:58 पे पहुंचती है और 3 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। जलगांव जंक्शन में ये सुबह 4:17 पे पहुंचती है और 4:19 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 415 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। भूसावल जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 4:53 पे पहुंचती है और 4:58 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 4 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 440 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश में एंटर करती है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश का जो पहला स्टेशन है वो है बुरहानपुर। बुरहानपुर में ये ट्रेन जो है सुबह 5:44 पे पहुंचती है और 5:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। नेपारगर में ये ट्रेन जो है सुबह 6:09 पे पहुंचती है और 6:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है खांडवा जंक्शन में सुबह 6:55 पे पहुंचती है और 6:58 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1563 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। हरदा स्टेशन में ये सुबह 8:12 पे पहुंचती है और 8:14 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इटारसी जंक्शन में पहुंचती है सुबह 9:35 पे और 9:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहां पर इस ट्रेन की जो है हर इतवार और शुक्रवार को वाराणसी मैसूर एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग भी होती है। पिपरिया में ये ट्रेन जो है सुबह 10:36 पे पहुंचती है और 10:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 815 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। गडरवा में ये ट्रेन जो है सुबह 11:08 पे पहुंचती है और 11:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 864 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है करेली स्टेशन में पहुंचती है सुबह 11:28 पे और 11:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 892 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पहुंचती है सुबह 11:44 पे और 11:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 908 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हावड़ा मेल जो वाया गया होकर चलती है वो श्रीधाम मध्य प्रदेश में पहुंचती है। श्रीधाम मध्य प्रदेश में ट्रेन जो है दोपहर के 12:08 पे पहुंचती है और 12:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये ट्रेन जो है जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस जो वाया इटारसी होकर चलती है उसके साथ इसकी क्रॉसिंग भी होती है और तकरीबन 940 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। जबलपुर जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 1:05 पे पहुंचती है और 1:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 992 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हावड़ा मेल जो वाया गया होकर चलती है वो कटनी जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 2:40 पे और 2:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। मेहर जो कि मध्य प्रदेश का सेकंड लास्ट स्टेशन है यहां पर ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:24 पे पहुंचती है और 3:26 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1146 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के आखिरी स्टेशन पे पहुंचती है। मुंबई हावड़ा मेल जो वाया गया होकर चलती है सतना जंक्शन में शाम के 4:05 पे पहुंचती है और 4:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मानिकपुर जंक्शन में पहुंचती है
दोपहर के सॉरी शाम के 5:57 पे और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहां पर ये ट्रेन जो है काशी एक्सप्रेस के साथ मानिकपुर जंक्शन में इसकी डेली क्रॉसिंग होती है। मानिकपुर जंक्शन जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन है और उत्तर प्रदेश के दूसरे स्टेशन शंकरगढ़ में ये शाम के 6:43 पे पहुंचती है और 6:44 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1313 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मुंबई हावड़ा मेल जो वाया गया होकर चलती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जंक्शन या इलाहाबाद चियोकी जंक्शन, जिसे प्रयागराज चियोकी जंक्शन कहा जाता है, यहां पर शाम के 7:45 पे पहुंचती है और 7:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। विंध्याचल स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 8:58 पे पहुंचती है और रात के 9 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में और इस ट्रेन के तीसरे स्टेशन मिर्जापुर में ये ट्रेन जो है रात के 9:10 पे पहुंचती है और 9:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1430 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है चुनार जंक्शन में पहुंचती है। चुनार जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 9:58 पे पहुंचती है और 10 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1461 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे मुगल सराय भी कहा जाता था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में ये रात के 11:13 पे पहुंचती है और 11:33 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है, 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1496 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन जो वाया गया होकर चलती है, बाबुआ रोड बिहार में पहुंचती है। बाबुआ रोड में ये ट्रेन जो है रात के 12:12 पे पहुंचती है और 12:13 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सासाराम जंक्शन में पहुंचती है। सासाराम जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 12:45 पे पहुंचती है और 12:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1596 किलोमीटर के करीब जो है ये मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन जो है देहरी ऑन सोने में पहुंचती है रात के 1:01 पे और 1:03 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अनुग्रह नारायण रोड में रात के 1:16 पे पहुंचती है और 1:17 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1630 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गया जंक्शन में पहुंचती है रात के 2:20 पे और 2:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन जो वाया गया होकर चलती है 5 मिनट के लिए रुकती है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है और 1700 किलोमीटर के करीब जो है मुंबई से गया जंक्शन की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। गया जंक्शन बिहार के बाद ये ट्रेन जो है झारखंड में एंटर करती है। झारखंड के पहले स्टेशन कोडरमा जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 3:45 पे पहुंचती है और 3:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1776 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हजारीबाग रोड में पहुंचती है सुबह 4:22 पे और 4:24 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1825 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। हजारीबाग रोड पे हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस जो है इसको क्रॉस करती है और हजारीबाग रोड का जो स्टेशन कोड है वो है HZD। इसके बाद ये ट्रेन जो है झारखंड के पारसनाथ स्टेशन में पहुंचती है सुबह 4:44 पे और 4:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1850 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन जो वाया गया होकर चलती है वो झारखंड के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो जंक्शन में पहुंचती है। यहां पर सुबह 5:05 पे पहुंचती है और 5:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। धनबाद जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 6:45 पे पहुंचती है और 6:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1900 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बराकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है सुबह 7:35 पे और 7:37 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है,
और यहाँ पर देवघर रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग भी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल के दूसरे स्टेशन आसनसोल जंक्शन में सुबह 8:20 पर पहुँचती है और 8:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1956 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। ये जो ट्रेन है मुंबई हावड़ा मेल जो वाया गया होकर चलती है, जिसका ट्रेन नंबर है 123-22। ये जो ट्रेन है पश्चिम बंगाल के तीसरे स्टेशन रानीगंज में पहुंचती है। रानीगंज का जो स्टेशन कोड है वो है RNG और यहाँ पर ये ट्रेन जो है सुबह 8:45 पर पहुंचती है और 8:47 पर रानीगंज से वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1976 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 46वें स्टेशन दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है सुबह 9:10 और 9:14 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 4 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2000 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हावड़ा मेल जो वाया गया होकर चलती है पानागढ़ पश्चिम बंगाल में सुबह 9:24 पर पहुंचती है और 9:26 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2026 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बर्धमान जंक्शन में पहुंचती है सुबह 10:12 पे और 10:17 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2064 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन जो वाया गया होकर चलती है फाइनली अपने आखिरी स्टेशन हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल में दोपहर के 12 बजे पहुंचती है और 14 या 17 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 2157 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और मेरी बाकी वीडियोज़ को भी जरूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से यह होगा कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।